आप YouTube पे जब भी कोई वीडियो देखते हो तो आप एक चीज नोटिस करते होंगे, सारे यूट्यूबर एक बात जरूर बोलते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, दबा के लाइक कर देना, लाइक करना जरूरी है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अगर हम उस वीडियो को लाइक कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो ये जरूर आप कभी ना कभी सोचते होंगे कि मेरे एक लाइक करने से क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है ना गाइज, तो आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप अगर उस वीडियो को लाइक नहीं करते हो या फिर लाइक करते हो तो उससे उस वीडियो को क्या फर्क पड़ता है। अगर आप एक यूट्यूबर हो, आप देख रहे हो मेरी वीडियो, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग यूट्यूबर नहीं है, जो लोग नॉर्मल है, जो यूट्यूब ऐसे ही आते हैं और वीडियो देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, ये नॉलेज उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर वीडियो क्यों बोलते हैं वो लोग लाइक करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में वही नॉलेज देने वाला हूं, तो आप मेरे भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आगे मैं इसका रीजन बताने वाला हूं कि आखिर इससे होता क्या। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन के बारे में तो पता ही होगा, और अगर आप एक यूट्यूबर नहीं है तो आपको नहीं पता होगा। जब कोई एक यूट्यूबर वीडियो जब अपलोड करता है तो उसके साथ YouTube करता क्या है, होता क्या है, तो गाइस मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो तीन भाग में बट जाती है। YouTube उसको तीन तरीकों से देखता है। एक तो ऐसे होता है कि जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, ठीक है, पहले उन लोगों के सामने वो वीडियो जाता है। तो अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर हैं और वो 100 लोग के सामने वो वीडियो गई तो वो एक बार में नहीं जाता, वो नोटिफिकेशन के द्वारा उनके पास जाता है। तो वो कितने लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, अगर 100 लोग के पास नोटिफिकेशन जा रहा है और उसमें से 10 लोग अगर देख रहे हैं, तो अगर 10 लोग देखने का मतलब क्या होगा कि 10% लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है ना गाइस, तो 10% देखने का मतलब कि अगर YouTube का एक नियम है कि अगर किसी वीडियो पे 8% अगर व्यूज आ रहा है, अगर कोई वीडियो मतलब 100 लोगों के सामने जा रहा है और उस वीडियो पे 100 लोगों के बीच से 10 लोगों ने देखा है, मतलब कम से कम अगर 8 लोगों ने भी देखा है तो वो 8% उसका रेशियो हो गया। तो अगर 8% लोग देखते हैं उस वीडियो को क्लिक करके तो YouTube उस वीडियो को अच्छा मानता है कि 8% से अगर ऊपर वाचिंग आ रहा है तो वो अच्छा मानता है, अगर 10% आ रहा है, अगर 12% आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। तो एक हिसाब से तो यहां से तो चलो ठीक है, यहां से तो उसको परसेंटेज में अच्छा मिल गया उस वीडियो को कि 100 लोगों के सामने गया तो वो 8 लोगों ने क्लिक किया, मतलब अगर वो वीडियो 100 लोगों के सामने जा रहा है तो उसमें 10% लोग देख रहे हैं, मतलब 10 लोग उसको देख रहे हैं, तो एक तरह से यहां से तो ये पास कर गया वीडियो। उसके बाद दोस्तों बात आती है वॉच टाइम की। अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 10 मिनट की, 12 मिनट की, तो उससे क्या होता है YouTube एक परसेंटेज निकालता है कि उस वीडियो को अगर आप 50 सेकंड से लेकर के 1.5 मिनट के बीच में, मतलब कि 50 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक अगर उस वीडियो को कोई देख लेता है, कहने का मतलब अगर कोई बंदा उस वीडियो को 1 मिनट तक अगर देख लेता है, 2 मिनट वीडियो चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर कोई उसको 1 मिनट तक वॉच कर लेता है तो वो YouTube उसको अच्छा मानता है कि लोग यहां पे आने के बाद रुक रहे हैं। तो यहां से भी अगर 1 मिनट अगर आप वाचिंग आ जा रही है किसी वीडियो पे तो यहां भी वो अच्छा है, मतलब कोई भी बंदा है 1 मिनट देख के जाए तो वो अच्छा मान लेगा। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है कि 2 मिनट की वीडियो है, 4 लोगों ने पूरा देखा और 2 बंदों ने उसको ओपन किया और 10 सेकंड देकर के कट कर दिया, तो वो 6 लोगों का वो रेशियो निकालता है कि उसका रेशियो कितना आ रहा है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से कि आपकी वॉच टाइम कितना आ रहा है एक वीडियो पे, तो यहां से भी वीडियो पास कर जाती है। उसके बाद गाइस आती है बात लाइक की। अगर हम वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो को लाइक करने से फर्क नहीं पड़ता, जैसे वीडियो को लाइक करना भी होता है, उसका रेशियो भी अच्छा होना चाहिए, परसेंटेज व्यूज भी सही होना चाहिए, तब जाके YouTube क्या करता है उस वीडियो को ज्यादा लोगों के सामने लेके जाता है। 100 लोगों के सामने जाने के बाद उस पे क्या होता है कि 10% लोग आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं वो 1 मिनट से ज्यादा देख रहे हैं वीडियो, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, मतलब 50% से ज्यादा देख रहे हैं, तो वीडियो अच्छी है। उसके बाद बात आती है लाइक से, तो लाइक से भी फर्क पड़ता है कि अगर वीडियो पे ज्यादा लाइक है, अगर 10 लोगों ने देखा है और उसमें से 8 लोगों ने लाइक किया है तो वो वीडियो क्या होती है, ये तीनों परसेंटेज निकालने के बाद YouTube को लगता है कि ये चीजें वीडियो अच्छी वीडियो है, लोगों को पसंद आ रही है, तो वो फिर अगले 200 लोगों के सामने भेजता है, तो फिर 200 के सामने जाने के बाद उसमें से 20 लोग क्लिक करते हैं, 30 लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद उन लोगों को भी पसंद आता है, वो लोग भी लाइक करते हैं और 1 मिनट से ज्यादा देखते हैं, 30% 40% से ज्यादा देखते हैं, फिर उसके बाद YouTube क्या करता है, फिर वो 500 लोगों के सामने भेजता है। तो इस तरीके से वो वीडियो आगे बढ़ती जाती है और नए लोगों के पास चली जाती है। और लाइक से एक फर्क ये भी पड़ता है कि अगर किसी वीडियो पे 100 व्यूज है और उसमें से 60 लाइक आया हुआ है, तो अगर कोई बंदा उस वीडियो पे आता है तो पहले उसको लाइक ही दिखता है, वीडियो तो वो देखेगा तो उसकी नॉलेज उसको बाद में पता चलेगी कि वीडियो के अंदर में क्या है, लेकिन स्टार्टिंग में उसको लाइक दिखता है कि लाइक कितने हैं इस वीडियो पे, उस हिसाब से वो उम्मीद लगाता है कि हाँ वीडियो अच्छी होगी या कैसी होगी।
तो इस तरह से वो बंदर रुक जाता है। फिर अगर देखता है उस वीडियो पर लाइक अच्छी है तो बंदा उस वीडियो पे रुक जाता है। तो इसलिए गाइज आप यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो देखो या फिर किसी भी यूट्यूबर की आप वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, तो अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है। अगर आप एक लाइक कर दोगे, आपको वीडियो अच्छी लग गई, आप लाइक कर दोगे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो जो नॉलेज होती है जो वीडियो के अंदर होती है, वो नए लोगों के पास जाती है, वो लोग भी देख सकते हैं फिर इस वीडियो को। तो इसलिए आप लाइक कर दिया करो किसी की भी वीडियो हो। वो इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर जो भी होते हैं। आप अगर एक यूट्यूबर नहीं हो तो आपको नहीं पता होगा कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। देखिएगा अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, तो ये वीडियो मैंने पहले टॉपिक सोचा, ठीक है, आधा एक घंटा मेरे उसमें लगा मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। उसके बाद टॉपिक सोचने के बाद अगर हम डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद उसको रिसर्च करते हैं उसके ऊपर कि उस टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो कितना चलेगा, कितना नहीं चलेगा, कितने नए व्यूअर आएंगे उस वीडियो। उसके बाद फिर हम अपना कैमरा एडजस्ट करते हैं, एक जगह रखते हैं, फिर कपड़े, अगर घर में लोग नॉर्मल रहते हैं तो लोग फिर कपड़े चेंज करते हैं, मतलब बहुत, एक तरह से कहने का मतलब कि वीडियो शूटिंग करने में एक घंटे लग जाते हैं, उसके बाद उसको एडिटिंग करने में दो घंटे लगते हैं, उसके बाद उसको अपलोड करने के बाद थंबनेल, टैग, ये सब चीजें बनाने में आधा एक घंटे इसमें लगते हैं, उसके बाद अपने टाइमिंग के हिसाब से उसको पोस्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि एक वीडियो बनाने में एक यूट्यूबर को कम से कम 3 से 5 घंटे लगते हैं। तो आप कुछ नहीं, अगर उस चीज को आपको अच्छा लगता है, अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो उस चीज को आप लाइक किया करो। मैं अपनी वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप जानते ही होंगे कितना मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो सिंपल वर्ड में मैं गाइज आप लोगों को बता दूं कि वीडियो लाइक करने से होता क्या है। तो देखिए गाइज, जब कोई यूट्यूबर एक वीडियो अपलोड करता है तो वो एक आप परसेंटेज उम्मीद ले लो कि वो 100 लोग के सामने जाता है। तो 100 लोग के सामने जाएगा तो उसमें से 10 लोग क्लिक करके वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो 10 लोग देख रहे हैं तो अच्छा है, अगर उससे ऊपर देख रहे हैं तो और अच्छा है, ठीक है। 10 लोग देख रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, जो 10 लोग देख रहे हैं वो वीडियो को 30% से ऊपर देख रहे हैं। अगर 1 मिनट की वीडियो है तो 30 सेकंड देख रहे हैं, अगर 5 मिनट की वीडियो है तो वो 2 मिनट 3 मिनट देख रहे हैं। कहने का मतलब अगर 1 मिनट से ऊपर देख रहे हैं कोई भी वीडियो, तो वो यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, ठीक है। अगर कोई बंदा उस वीडियो को पूरा देख लिया और एक बंदा देख क्लिक करते ही उसको हटा दिया, तो वो आधा आधा माना जाएगा, उसका परसेंटेज दोनों का निकल जाएगा, तो वो आधा हो जाएगा। तो इस हिसाब से वॉच टाइम भी उसका सही आ रहा है। और उसके बाद फिर बात आती है लाइक की, अगर उस वीडियो पर लाइक अच्छा है तो यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, फिर वो नए नए लोगों के पास वो वीडियो भेजता है। तो कहने का मतलब ये गाइस कि वो जो अगर आप लाइक जो करते हो ना, उससे एक यूट्यूबर की वीडियो आगे लोगों, नए लोगों के पास जाती है, तो आप लाइक कर दिया करो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो लाइक करने से क्या होता है। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे नए नए वीडियो, इससे अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। जय हिंद दोस्तों।